नमस्कार दोस्तों, कुमकुम भाग्य के आने वाले एपिसोड में जहां प्राची की सच्चाई, जो कि सभी लोगों को पता चल जाएगी कि प्राची इस समय प्रेग्नेंट है, क्योंकि आपने देखा होगा कि रणबीर को प्राची सबसे पहले ये गुड न्यूज़ देना चाहती है, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं, क्योंकि आलिया और रिया ने लाख जतन किए हैं कि किसी भी तरीका से प्राची इस घर से हमेशा हमेशा के लिए विदा हो जाए। लेकिन दोस्तों, आने वाले एपिसोड में जहां रणबीर को इस खबर का पता चलने जा रहा है कि आखिरकार प्राची है प्रेग्नेंट और जल्दी ही देने जा रही हैं एक बच्चे को जन्म। आप लोग जानते ही हैं कि प्राची और रणबीर का जो रिश्ता है, वाकई में एक दूसरे के साथ में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है। लोग जानते हैं कि प्राची और रणबीर एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। वहीं पे ही बात की जाए तो रणबीर की माँ जो है, वो किसी भी तरीका से प्राची को पसंद नहीं करती। वो तो खुद ये सोच रही है कि किसी भी हालत में प्राची इस घर से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाए। लेकिन दोस्तों, ऐसा हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि प्राची को पता है कि इस घर पे अगर वाकई में रहना है तो पूरे धाक के साथ में रहना पड़ेगा, क्योंकि प्राची की माँ किसी भी सूरत में, यानी रणबीर की माँ किसी भी सूरत में प्राची को नापसंद ही करती हुई नजर आ रही है। आने वाले एपिसोड में जहाँ आलिया और रिया की बात सभी को पता चल जाएगा कि निक को आखिर हायर किसने किया था, क्योंकि अभी तक आलिया सोच रही है कि पूरा का पूरा ये माजरा, पूरी बात खत्म हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है, जो कि आने वाले एपिसोड में आप लोग देख पाएंगे कि अभी बात तो बाकी है, क्योंकि रणबीर आने वाले एपिसोड में इस चीज का जिक्र जरूर करेगा कि आखिर कोई तो कनेक्शन है आलिया और रिया का, निक के साथ में कुछ तो कनेक्शन है, और प्रीति की बात का भी, जो कि अब कंफर्म किया जाएगा कि आखिर प्रीति गई कहाँ और प्राची को क्यों किडनैप किया था जो कि निक ने। लेकिन दोस्तों, आने वाले एपिसोड में आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से निक, जो कि एंड में इस बात को पूरी तरीका से क्लियर कर देगा कि आखिर प्राची को आलिया और रिया ने बहुत मोटी इनकम दी थी, जिसकी वजह से निक ने प्राची को गिरफ्तार में यानी कि किडनैप किया था। साथ ही दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड कॉमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताइए गाइज़ आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।